नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। विजयनगर एम्पायर वाला चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 9 सतीश चंद्रा की किताब का। अगर आप सतीश चंद्रा के हिसाब से नहीं भी देख रहे हो तो विजयनगर एम्पायर के क्लाइमैक्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेट हुआ और स्टेट और इकोनॉमी कैसी थी विजयनगर एम्पायर के अंदर। वैसे इससे पहले भी मैं विजयनगर एम्पायर की शुरुआत के बारे में बता चुका हूँ, तो अगर आप सिर्फ विजयनगर एम्पायर के कंटेक्स्ट में ये वीडियोज़ देख रहे हो तो इससे पहले की भी जो दो वीडियोज़ हैं उनको देख लीजिएगा। ओके, शुरुआत करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। क्लाइमैक्स ऑफ द विजयनगर एम्पायर एंड इट्स डिसइंटीग्रेशन। देखिए, जब देवराय टू की डेथ हुई 1446 एडी में, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, काफ़ी कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन क्यों था? क्योंकि भाई प्रीमोजेनिचर का रूल इस्टेब्लिश नहीं था विजयनगर के अंदर। कहता मतलब क्या सर? मतलब ये कि भाई एक राजा मरेगा तो उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। और इस सवाल ने केवल हिंदू डायनेस्टीज नहीं, मुस्लिम डायनेस्टीज, टर्किश डायनेस्टीज, सबको परेशान किया। मुगलों के समय पे भी आप देखिए कि शाहजहां के मरने के बाद उसके दो बेटे लड़ रहे थे, दारा शिकोह लड़ रहा था और औरंगजेब लड़ रहा था आपस में। उसके साथ साथ आप देखोगे कि उनके बेटों के बेटों में भी लड़ाई होने लगी। तो मुगल हो, चाहे आपकी ये मौर्य डायनेस्टी हो, चाहे आपका विजयनगर एम्पायर हो, एक राजा के मरने के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, इसको लेके हमेशा लड़ाई होती थी। तो सिविल वॉर्स चलते रहते थे। अब जब राज करने वाले लोग ही आपस में लड़ने लगेंगे तो आसपास की डायनेस्टीज को तो एक पुश मिलेगा ही ना। यहाँ पे बहुत सारे फ्यूडेटरीज को एक मौका मिल गया कि वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लें। तो एक सेंट्रलाइज्ड राज होता है, समझिए, एक सेंट्रलाइज्ड राज है। इस सेंट्रलाइज्ड राज को बहुत सारे प्लेयर्स आके रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी इस सेंट्रलाइज्ड राज के दो प्लेयर्स आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगे तो इन फ्यूडेटरीज को मौका मिल जाएगा कि ये सोचेंगे कि यार ये तो खुद की ही सेंट्रल गवर्नमेंट स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, हम इनकी बात क्यों माने, हम इंडिपेंडेंट हैं। तो इस प्रकार के सिविल वॉर्स ने विजयनगर एम्पायर को कमज़ोर बना दिया। और जब राजा कमज़ोर होता है ना तो मिनिस्टर ताकतवर हो जाता है, जो सिविल सर्वेंट्स है वो ताकतवर हो जाते हैं और अपने अपने डोमेन में वो करप्शन करने लगते हैं। तो इन मिनिस्टर्स और सिविल सर्वेंट्स ने बहुत सारे टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए लोगों के ऊपर, लोगों से ज़बरदस्ती पैसा खींचना शुरू कर दिया और इससे लोगों को डिस्ट्रेस होने लगा। लोगों को ये लगना चाहिए कि हाँ भाई वो अपने राजा के राज में सेफ है, ये बहुत ज़रूरी होता है राजा के लिए। और एफिशिएंट राजाओं ने हमेशा इस बात को मेंटेन किया, जो राजा इस बात को मेंटेन नहीं कर पाया उसका राज जल्दी ज़्यादा लंबे समय तक चला नहीं है। ओके, तो अब आप देखोगे कि धीरे धीरे यहाँ पे विजयनगर एम्पायर की जो बादशाहत थी, जो औकात थी, वो कम होने लगेगी 1446 एडी के बाद। और कम होते होते कर्नाटका के एक छोटे से हिस्से में बचेगा विजयनगर एम्पायर, कुछ हद तक वेस्टर्न आंध्र प्रदेश का भी इलाका इसके पास आ जाएगा। मतलब पहले जितना बड़ा विजयनगर एम्पायर हुआ करता था उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब विजयनगर एम्पायर के ऊपर जो भी एम्परर्स बैठे हैं दे आर संक इन देयर ओन प्रेशर्स। वो अपना खाना पीना, शराब पीनी, नर्तकियों को देखना, इसी में लगे हुए हैं। वो अफेयर्स ऑफ द स्टेट को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर रहे हैं। और कुछ समय बाद देखोगे कि जो थ्रोन है उसको जो किंग का मिनिस्टर है सलुआ, वो कब्जा लेगा, तो पिछली डायनेस्टी एंड पे आ जाएगी। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको तीन डायनेस्टीज के बारे में बताया था, संगमा, सलुआ, तुलुआ। एक्चुअली में यहाँ पे चार डायनेस्टीज है। ओके, मैं आपको ये बताना, पॉइंट बताना भैया, विजयनगर एम्पायर के अंदर चार डायनेस्टीज आती हैं। पहली है आपकी संगमा डायनेस्टी फ्रॉम 1336 एडी टू 1485 एडी। दूसरी है सलुवा डायनेस्टी 1485 एडी टू 1505 एडी। फिर है तुलुवा डायनेस्टी। तुलुवा डायनेस्टी है 1491 एडी से 1570 एडी। इसी तुलुवा डायनेस्टी का रूलर था कृष्णदेव राय, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी देर से बात करेंगे। 1509 से लेकर 1529 से 1530 तक इसका राज है। और तुलुवा डायनेस्टी खत्म होगी 1570 एडी में, और उसके बाद, या फिर कह लीजिए तुलुवा डायनेस्टी के बीच से ही थोड़ा बहुत आपकी ये अरविदु डायनेस्टी शुरू हो जाएगी। लेकिन कृष्णदेव राय के बाद ये जो विजयनगर एम्पायर है ना वो बहुत तेजी से गिरेगा। और अरविदु डायनेस्टी के अंदर जो कृष्ण, ये जो विजयनगर एम्पायर था वो कुछ खास नहीं बचा था। मेन जो आप कह सकते हो जो विजयनगर एम्पायर था वो तुलुवा डायनेस्टी तक था, और तुलुवा डायनेस्टी के भी कृष्णदेव राय तक था। ठीक है, तो ये चार डायनेस्टी हैं, संगमा, सलुवा, तुलुवा, अरविडु। फिर से बता देते, संगमा, सलुवा, तुलुवा, अरविडु, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है कि ये डायनेस्टी कौन से एम्पायर से रिलेटेड है, तो ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है। गॉट इट? अब जब सलुवा डायनेस्टी का यहाँ पे राज आया 1485 एडी में, तो उस समय पे इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर है। सलुवा डायनेस्टी के बहुत से रूलर थे, सलुवा नरसिम्ह देव राया, फिर थीमा भूपला, नरसिम्ह राया टू। तो इतने रूलर्स अगर आपको नहीं याद रहते हैं तो भी चलेगा। तो इन सलुवा रूलर्स ने फिर भी इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, एक नई डायनेस्टी फाउंड करी। ये डायनेस्टी चली ठीक ठाक समय तक, 1485 से 1505, 20 साल लगभग चली, लेकिन उसके बाद ये डायनेस्टी खत्म हो गई। फिर आएगी एक तुलुवा डायनेस्टी। ये जो तुलुवा डायनेस्टी है
इसकी शुरुआत में जो लीडर था वो था तुलुवा नरसनायक, लेकिन इसका जो मेन रूलर था वो था कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय 1509 टू 1530 एडी वाज द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ दिस डायनेस्टी, और कुछ हिस्टोरियंस ने तो इसको विजयनगर रूलर्स में सबसे ग्रेट माना है। शुरुआत के हरिहरा बुक का, हरिहरा वन बुक का वन, इन सबसे ज्यादा ग्रेट माना है। अब ऐसा क्या किया यहाँ पे कृष्णदेवराय ने कि इसको ज्यादा ग्रेट माना गया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाइए, दैट इज डेफिनेटली वेरी वेरी हेल्पफुल। प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप इस वीडियो पे कमेंट करके अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं और ओवरऑल अपने व्यू पॉइंट्स भी दे सकते हैं, इससे वीडियो का जो एंगेजमेंट है वो बढ़ता है। ठीक है, तो कृष्णदेव राय यहाँ पे ताकत में है। अब जब कृष्णदेव राय ताकत में है तो ऑलरेडी काफी एनआरकी थी, तो फिर से इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को एस्टैब्लिश करना था। और जो विजयनगर अंपायर के पुराने राइवल्स थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहमानी किंगडम, अब वैसे तो बहमानी किंगडम छोटे छोटे किंगडम्स में टूट चुका है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। तो बिदार अलग, बिरार अलग, आपका गोलकोंडा अलग, अहमदनगर अलग, बीजापुर अलग, तो बहुत सारे सक्सेसर स्टेट्स में टूट चुका है बहमानी किंगडम। लेकिन उन सक्सेसर स्टेट्स के पास भी पुरानी विजयनगर की तो प्रॉपर्टी है ना, टेरिटरी है ही ना, तो विजयनगर की टेरिटरी वापस लेनी है। अभी विजयनगर की टेरिटरी वापस लेनी है तो ये जो बहमानी किंगडम के सक्सेसर स्टेट्स हैं इनसे लड़ाई करनी पड़ेगी। अब इस समय पे कृष्णदेव राय के पास केवल ये अकेली प्रॉब्लम नहीं बची थी, इस समय पोर्तुगीज पावर भी बढ़ रही थी साउथ इंडिया में। पोर्तुगीज पावर एक्चुअली में ओशंस में डोमिनेंट थी और ओशन से ट्रेड वगैरह की सप्लाई जुड़ी हुई थी, तो कृष्णदेव राय के सामने ये डबल चैलेंज था। ओके, विजयनगर अंपायर के पास भी नेवी थी, बट वो नेवी किसी भी हाल में पोर्तुगीज की नेवी के सामने कुछ भी नहीं थी। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंसेशंस के लिए कृष्णदेव राय को अक्सर कर पोर्तुगीज के साथ डिस्कशंस करना पड़ता था, नेगोशिएशंस करने पड़ते थे, मांडवली करनी पड़ती थी। यहां पे पोर्तुगीज ने कृष्णदेव राय को प्रॉमिस किया कि ठीक है भाई, ये जो बीजापुर का सुल्तान है इससे मैं तुमको गोवा दिलवा दूंगा, और साथ साथ मैं तुम्हारी मोनोपोली दे दूंगा किसकी, सप्लाई ऑफ हॉर्सेस की। इसके बदले में कृष्णदेव राय ने भी यहाँ पे बहुत सारे एश्योरेंसेस दिए पुर्तगीज को। तो पुर्तगीज और कृष्णदेव राय के बीच में एक प्रकार की यहाँ पे मांडवली हो गई, जिसमें पुर्तगीज ने कृष्णदेव राय को बोला कि ठीक है भाई, जो गोवा तुम्हारे कंट्रोल में था इस गोवा को मैं तुम्हें बीजापुर से दिलवा दूंगा, और सप्लाई ऑफ हॉर्सेस में तुम्हारी बादशाहत होगी, मोनोपोली होगी। मतलब आपको पता है कि जो वेस्टर्न पोर्ट्स थे उससे आती थी सप्लाई ऑफ हॉर्सेस। अब नेवी के ऊपर कंट्रोल था आपका पुर्तगीज का, पुर्तगीज ओशनिक लाइंस को कंट्रोल करते थे। ये जो पुर्तगीज के जो नेवल शिप्स होते थे ना, ये कहीं पे भी तोप लगा के बीच में पानी में खड़े हो जाते थे, और कोई भी बोट पास से निकलती थी तो उसको धमकाते थे कि पैसा दो नहीं तो निकलने नहीं देंगे। तो ये पुर्तगीज कृष्णदेव राय को बोल रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे सप्लाई ऑफ फोर्सेज में तुम्हारी मोनोपोली बनाने के लिए। फिर आगे कृष्णदेव राय ने ग्लोरी को रिस्टोर करने के लिए जंगें लड़नी शुरू की। 7 साल तक बहुत सी जंगें हुई यहाँ पे, और जो ओडिशा का रूलर था इसने जितनी भी विजयनगर अंपायर की टेरिटरी हड़पी थी ये सबसे पहले कृष्णदेव राय ने वापस ली। फिर कृष्णदेव राय पहुंचा पुराने इलाके पे जो कि था तुंगभद्र दोआब। तुंगभद्र दोआब पे इसने जाके जो भी अपनी लॉस्ट टेरिटरीज थी उसको वापस रिकवर करने की कोशिश की। अब जब ऐसा करोगे तो आपके जो एडवर्सरीज हैं वो कंसोलिडेट करेंगे। तो विजयनगर अंपायर यहाँ पे एम्बिशियस हो रहा था, तो क्या हुआ कि जो इसके अपोनेंट में थे बीजापुर अंपायर और उड़ीसा अंपायर, इन्होंने अपना अलायंस बना लिया, और ये बीजापुर और ओडिशा मिलकर कृष्णदेव राय से यहाँ पे लड़ने लगे। ठीक है भाई, तो हॉस्टिलिटी तो यहाँ पे होनी ही थी ओवरऑल। फिर आप देखोगे कि एक समय के बाद यहाँ पे कृष्णदेव राय ने रायचूर और मुदकल नाम की टेरिटरीज के लिए भी यहाँ पे लड़ाई करने लगे। ओके, तो कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारे पैरेलल फ्रंट्स खोल दिए थे कृष्णदेव राय ने, और ऐसा नहीं था कि कृष्णदेव राय इस चीज के लिए तैयार नहीं था। कृष्णदेव राय एक एबल और एफिशिएंट रूलर था, अगर वो फ्रंट खोल रहा था तो कुछ सोच के खोल रहा था, पावर्स को एसेस करके खोल रहा था, और वो जीत भी रहा था। 1520 में बीजापुर के रूलर को पूरी तरीके से हरा दिया कृष्णदेव राय ने। ठीक है, उसको कृष्णा के पीछे ढकेल दिया, बड़ी मुश्किल से बीजापुर का रूलर अपनी जान बचा के भागा। वेस्ट में जो विजयनगर की आर्मीज थी वो बेलगांव तक पहुंच गई, उन्होंने बीजापुर के ऊपर कब्जा किया, उसको पूरी तरीके से सैक कर दिया, गुलबर्गा को डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब कुल मिला के बीजापुर की जो ट्रेडमार्क सिटीज थी उनको बर्बाद कर रहा था यहाँ पे कृष्णदेव राय, अपनी मिलिट्री पावर को दिखाने के लिए। और अब कृष्णदेव राय के अंदर विजयनगर एक स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर की तरह उभरा साउथ इंडिया में, और वो यहाँ पे अपने ओल्ड फ्यूड्स को रिन्यू कर रहा था, पुरानी विजयनगर की ग्लोरी को वापस लाने की कोशिश कर रहा था। और धीरे धीरे करके यहाँ पे जो साउदर्न पावर थी ना
उनको ये समझ में आ रहा था कि भाई ये कृष्णदेव राय बहुत स्ट्रांग हो रहा है, लेकिन ये जो इंडियन पावर्स थी उनको ये नहीं पता था कि एक और नया बवाल यहाँ पे आ गया। इंडियन पावर्स में आप कह सकते हो बहमानी किंगडम के अहमद नगर बीजापुर गोलकोंडा वाली जो पावर्स थी, ये आपके कृष्णदेव राय हो गया, ये नहीं समझ पाए कि एक और बहुत बड़ी परेशानी इनकी खोपड़ी पे आके खड़ी है, वो है पोर्तुगीज। असल में बात ये थी कि चोला रूलर्स ने अपनी नेवी पे काफी ध्यान दिया था, जो अर्ली विजयनगर के रूलर्स थे हरिहरा बुक्का और उसके बाद के दो तीन रूलर्स, उन्होंने अपनी नेवी पे काम दिया था, बट कृष्णदेव राय काफी हद तक लैंड बैटल्स पे डिपेंडेंट था। कृष्णदेव राय का पूरा फोकस आपका बाकी ये जो बहमानी किंगडम के जो सक्सेसर स्टेट्स थे और उड़ीसा स्टेट था इसके ऊपर था, पोर्तुगीज की तरफ वो उतना ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए कृष्णदेव राय ने नेवी के डेवलपमेंट पे ध्यान नहीं दिया और आगे आने वाले समय में वो पोर्तुगीज के सामने बिल्कुल ही लाचार होता नजर आएगा, क्योंकि जब सी लेंस पोर्तुगीज कंट्रोल कर रहे हैं तो पूरी तरीके से विजयनगर अंपायर ये नहीं बोल सकता कि वो ऑटोनॉमस है। फिर कृष्णदेव राय के अंदर जो विजयनगर अंपायर था उसकी कंडीशंस के बारे में भी बहुत सारे जो फॉरेन ट्रेवलर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ बता रखा है, जैसे कि पेस नाम का एक इटालियन था जिसने कि कृष्णदेव राय के कोर्ट में काफ़ी समय स्पेंड किया, उसने बताया कि कृष्णदेव राय की पर्सनालिटी के बारे में, उसने बताया कि कृष्णदेव राय के बड़ा ग्रेट रूलर है, मैन ऑफ जस्टिस है, लेकिन सडन फिट्स ऑफ रेज है, मतलब एकदम से गुस्सा आता है इसके अंदर, गुस्से में वो किसी को एग्जीक्यूट कर दिया, कुछ इस प्रकार की चीज़ें भी थी उसके अंदर। तो मतलब मैन ऑफ जस्टिस था, ग्रेट रूलर था, लेकिन गुस्सा था विजयदेव राय के अंदर, कभी कभी वो जो अपने डिसीजन लेता था एकदम से गुस्से में लेता था, अपने सब्जेक्ट्स को चेरिश करता था, वेलफेयर के लिए काम करता था, ये सब अच्छी अच्छी बातें भी थी। यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बनाने की कोशिश की यहाँ पे विजयदेव राय ने, तुंगभद्र दुआब में जो भी लोकल नायक्स और गवर्नर्स को अपॉइंट किया गया था उनको हटा दिया गया और बहुत सारे इलाके को सेंट्रलाइज्ड विजयनगर अंपायर के कंट्रोल के अंदर लाने की कोशिश की गई। विजयनगर अंपायर ने यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ही बनाई हैं, उसने एक नया टाउन बनाया था विजयनगर के पास, एक बड़ा सा इनॉर्मस टैंक खोला इरीगेशन पर्पजेस के लिए, तेलुगु और संस्कृत का एक गिफ्टेड स्कॉलर था, उसने तेलुगु में अपने कुछ वर्क्स लिख रखे, एक ड्रामा उसने लिख रखा है संस्कृत में, तो जो तेलुगु में उसका वर्क था पॉलिटी के ऊपर, पॉलिटी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटी के ऊपर तेलुगु में एक वर्क लिखा था कृष्णदेव राय ने और संस्कृत में एक ड्रामा लिखा था। यही दोनों जो वर्क्स हैं आपके कृष्णदेव राय में वो आज की डेट में सर्वाइव करते हैं, बाकी सब यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। ओके, तेलुगु लिटरेचर में एक अलग ही एरा यहाँ पे शुरू किया था कृष्णदेव राय ने। ओके, संस्कृत वर्क्स, पहले क्या होता था कि जो संस्कृत वर्क में लिखी हुई चीजें थी, जो संस्कृत में लिखी हुई चीजें थी उसको तेलुगु में कन्वर्ट किया जाता था, अब तेलुगु में इंडिपेंडेंट वर्क्स लिखे जा रहे थे। समझिए, कृष्णदेव राय ने इनोवेशन लेके आया था इस पर्टिकुलर आर्ट के फील्ड में, इस पर्टिकुलर लिटरेचर के फील्ड में। पहले संस्कृत वर्क्स को तेलुगु में कन्वर्ट किया जाता था, यही लिटरेरी एक्टिविटी हो रही थी तेलुगु भाषा में, अब यहाँ पे तेलुगु भाषा में इंडिपेंडेंट लिटरेचर लिखा जा रहा था, तेलुगु कन्नड़ तमिल हर प्रकार के पोएट को यहाँ पे कृष्णदेव राय ने एक पुश दिया, उसको आगे आने के लिए बोला, उसको खूब सारे इनाम वगैरह दिए। बहुत सारे फॉरेन ट्रेवलर्स जैसे कि बरबोसा, पेज, नुनिस, ये सब बताते हैं कि विजयनगर एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कितना एफिशिएंट था, उसके अंदर के एम्पायर कितना प्रॉस्पेरस था। प्लस यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के रूलर्स को हिंदुइज्म का प्रोटेक्टर समझा जाता है, उनके पैट्रोनेज के अंदर बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए, स्कूल बनाए गए, ठीक है ना, पढ़ाई करने के लिए मैथ्स के आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। इनमें जो टेम्पल्स बनाए गए थे आप कह सकते हो विजयनगर एम्पायर के समय पे, कृष्णदेव राय के समय पे, उनका स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा डिटेल्ड था। पुराने टेम्पल्स में बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, पुराने टेम्पल्स को इम्प्रूव करके उनको और बड़ा बनाया गया। ओके, नए नए पिलर हॉल लगाना, पुराने टेम्पल्स में पेविलियंस लगाना, सबऑर्डिनेट स्ट्रक्चर्स लगा के पुराने टेम्पलों को और भव्य बनाना, ये भी विजयनगर एम्पायर का एक ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे। प्लस ऐसा बोला जाता है कि विजयनगर एम्पायर में जो कृष्णदेव राय था इसके अंदर टॉलरेशन भी बहुत था। कहने का मतलब क्या है, द किंग अलाउज सच फ्रीडम दैट एवरी मैन मे कम एंड गो एंड लिव अकॉर्डिंग टू हिज ओन क्रीड विदाउट सफरिंग एनी अलाउंस एंड विदाउट एनी इंक्वायरी वेदर इज अ क्रिश्चियन, जू, मूर और हिद्रन। मतलब रिलीजियस टॉलरेशन था कृष्णदेव राय के अंदर, किसी भी कास्ट का, किसी भी क्रीड का, कास्ट तो खैर नहीं करना चाहिए, कास्ट सोसाइटी, कास्ट सिस्टम उस समय पे प्रेवलेंट था, बट ये जो अलग अलग क्रीड्स हैं और रिलीजन्स हैं जैसे क्रिश्चियन है, जू है, मूर है, हिदन है, ये अपने कल्चर्स को फॉलो कर सकते हैं, इनके ऊपर रोक टोक कम थी, जस्टिस और इक्वलिटी का ध्यान रखता था कृष्णदेव राय। जब कृष्णदेव राय की मृत्यु होगी 1530 एडी में, उसके बाद से फिर सक्सेशन का एक स्ट्रगल शुरू हो जाएगा और ओवरऑल जो उसके रिलेटिव्स हैं, सन्स हैं, वो मिलके यहाँ पे पॉलिटिक्स करने लगेंगे।
1543 1543 एडी में सदाशिव राव यहाँ पे थ्रोन पे बैठेगा और 1567 तक राज करेगा। 1543 से लेके 1567 एडी तक सदाशिव राव राज करेगा और कुछ हद तक सदाशिव राव भी कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करेगा, कुछ जंगे लड़ेगा और जंगों में पीछे ढकेलने की कोशिश करेगा अपोजिशन की पावर्स को। हालांकि सदाशिव राय के समय पे भी जो रियल ताकत थी ना वो तीन लोगों के ग्रुप के हाथ में थी, जिसमें से लीडिंग पर्सन था रामराज। रामराज का क्या था कि ही वॉज अ वेरी एबल एडमिनिस्ट्रेशन, उसने अपोजिशन की जो मुस्लिम पावर्स थी उनको आपस में लड़ा दिया, अपोजिशन को कमजोर किया। फिर आगे आप देखोगे कि रामराज ने कॉमर्शियल ट्रीटी साइन की पुर्तगीज के साथ, जहां पे बीजापुर के रूलर के पास जो भी हॉर्सेस की सप्लाई जा रही थी इसको कट ऑफ कर दिया गया और हॉर्सेस की सप्लाई के ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया यहाँ पे विजयनगर के सुल्तान का। फिर आगे आने वाले समय में इस रामराज ने फिर से बीजापुर के रूलर को पूरी तरीके से हराया सदाशिव राय के साथ मिलके। गोलकोंडा और अहमदनगर के जो रूलर्स थे उनके ऊपर भी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट्स को इन्फ्लिक्ट किया। तो कुल मिला के यहाँ पे रामराज भी हल्का फुल्का सक्सेसफुल हुआ है। 1543 में जब सदाशिव राव गद्दी पर बैठा और 1567 तक राज किया, इसके समय पे तीन लोगों का एक ग्रुप राज करता था, इसमें रामराज एक बहुत इंपॉर्टेंट था। तो रामराज राजा नहीं था बट आप कह सकते हो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। इस रामराज ने पोर्तुगीज के साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेशंस लिए, ओवरऑल घोड़े के ट्रेड के ऊपर अपना जोर जमाया, गोलकोंडा अहमदनगर और बीजापुर के रूलर्स को जंगों में हराया। लेकिन यहाँ पे रामराज की एक मोडस ऑपरेंडी थी, वो ज्यादा इलाके पे कब्जा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। शायद उसको ये बात पता चल चुकी थी कि ज्यादा इलाके पे कब्जा करने का कोई फायदा नहीं है, उस इलाके पे कंट्रोल पा पाना, उस इलाके को कंसोलिडेट कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए कुल मिला के ये बस हरा के बैलेंस ऑफ पावर को विजयनगर के फेवर में रखना चाहता था। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जो अपोजिशन की पावर्स थी, ये जो बहमानी किंगडम के ओवरऑल सक्सेसर स्टेट्स थे, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, इनको समझ में आया कि अब समय आ गया कि मिलो और इस काफिर को हराओ। तो इन्होंने क्या किया है कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ये तीनों फोर्सेस मेरी, और इन्होंने विजयनगर को एक क्रशिंग डिफीट दी। कहाँ पे? बानीहाटी तलीकोटा के पास 1565 में, जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ तलीकोटा और बैटल ऑफ राक्षस तंगाड़ी। यहाँ पे रामराज को चारों तरफ से घेर लिया गया, प्रिजनर बनाया गया और उसको इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया। ऐसा बोला जाता है कि इस जंग में 100,000 हिंदुओं को मारा गया। विजयनगर को पूरी तरीके से लूट लिया गया। विजयनगर जो एक समय पे ग्रेट एम्पायर हुआ करता था उसको पूरा निस्तो नाबूद कर दिया, तबाह कर दिया उसको। आज की डेट में विजयनगर आपको बिल्कुल तबाह हालत में दिखता है, लेकिन उससे पहले ऐसी प्रोलिफिक सिटी थी ना विजयनगर कि देख के ही मेस्मराइज रह जाते थे दुनिया के बड़े बड़े ट्रेवलर्स। हालांकि उसके बाद भी जो विजयनगर एम्पायर था ये लगभग 100 साल चला, बट इसकी वो बात नहीं रह गई थी। इसकी टेरिटरीज लगातार कम होती गई और साउथ इंडिया के पॉलिटिकल अफेयर्स में अब विजयनगर एम्पायर की इंपॉर्टेंस काफी खत्म सी हो चुकी थी। तो ये हमने देखा डिक्लाइन और क्लाइमेक्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब देखते हैं स्टेट एंड इकोनॉमी अंडर विजयनगर एम्पायर। फिर ये जो किनशिप का कंसेप्ट था आपका विजयनगर एम्पायर के अंदर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अब आप बोलोगे कि ये सर ये किनशिप का कंसेप्ट क्या है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। जो पॉलिटी पे किताब लिखी थी आपने, ये कृष्णदेव राय ने, इसने क्या बोला, इट एडवाइजेस द किंग दैट विद ग्रेट केयर एंड अकॉर्डिंग टू ए पावर यू शुड अटेंड टू द वर्क ऑफ प्रोटेक्टिंग द गुड एंड पनिशिंग द विकेट विदाउट निग्लेक्टिंग एनीथिंग दैट यू सी और हियर। मतलब अपने सब्जेक्ट्स के साथ एक प्रकार के रिलेशनशिप लेके आना, एक रिलेटेडनेस लेके आना, अपने सब्जेक्ट्स के लिए एक सिंपैथी, काइंडनेस, एफिनिटी लेके आना, इसको आप किनशिप का कंसेप्ट बोलते हो। और पॉलिटी की किताब में कृष्णदेव राय भी लिखा भी है कि अपनी ताकत का इस्तेमाल का आपको बहुत ध्यान से करना है, अच्छे के लिए अच्छा करना है, बुरे के लिए बुरा करना है। और यहाँ पे किंग के लिए एक और राय लिखी गई थी कि भाई टैक्सेस बहुत हिसाब से लगाइए अपने लोगों के ऊपर, क्योंकि टैक्सेस से लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं। फिर विजयनगर एम्पायर में विजयनगर किंग को कौन राय देता था, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राय देते थे, जिनको आप कह सकते हो बहुत सारे नॉबल्स हुआ करते थे किंग में। किंगडम को डिवाइड किया गया था राज्यास में, मंडलम्स में, मंडलम्स प्रोविंसेस थे, उनके नीचे नाडू डिस्ट्रिक्ट थी, उसके नीचे स्थल सब डिस्ट्रिक्ट थे, उसके नीचे ग्राम विलेज हुआ करता था। जो चोला के समय पे विलेज सेल्फ गवर्नमेंट का ट्रेडिशन था वो यहाँ पे टूट चुका था, ओके। और हेरिडिटरी नायकशिप यहाँ पे आ चुकी थी। सेल्फ गवर्नमेंट मतलब ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे एक अपनी अलग प्रकार की डेमोक्रेसी चलती थी जो कि लोकल लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान रखती थी। लेकिन विजयनगर एम्पायर एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर की तरह सामने आया और ओवरऑल ग्राउंड लेवल पे भी एक ऐसा नायक हुआ करता था जो कि हेरिडिटरी हुआ करता था। वो ग्राउंड लेवल पे गांव में जो लोग थे उनकी फ्रीडम को वायलेट करता था, उनके ऊपर एक्सेसिव टैक्सेस लगाता था। तो कुल मिला के विलेज सेल्फ गवर्नमेंट चोलास के समय पे ज़्यादा एफिशिएंट बताई जाती थी, विजयनगर के समय पे थोड़ी सेंट्रलाइज्ड हो गई थी, उतनी एफिशिएंट नहीं रही थी।
जो प्रोविंसेस के गवर्नर हुआ करते थे वो पहले रॉयल प्रिंसेस हुआ करते थे, बाद में रॉयल प्रिंसेस से जो रिलेटेड लोग थे उनको भी गवर्नर अपॉइंट किया जाने लगा। हालांकि आम आदमी अभी भी गवर्नर नहीं बनता था, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे उनको ठीक ठाक ऑटोनॉमी दी जाती थी, उनके खुद के कोर्ट्स होते थे, खुद के ऑफिसर्स होते थे, उनकी खुद की आर्मीज हुआ करती थी। कुल मिला के पैसा इकट्ठा करते थे लैंड रेवेन्यू से और उसके बाद पैसा दिया भी करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर आप देखोगे तो जो प्रोविंशियल गवर्नर था उसका कोई रेगुलर टर्म नहीं होता था। प्रोविंशियल गवर्नर कितने लंबे समय तक गद्दी पर बैठेगा ये उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करेगा, उसकी ताकत पर डिपेंड करेगा। ओके, और इस गवर्नर के पास ताकत होगी कि वो नए टैक्सेस को लगा सकता है, पुराने टैक्सेस हटा सकता है। तो लिटरली अगर एक इलाके में एक गवर्नर के पास ये ताकत है कि वो अपनी आर्मी मेंटेन कर सकता है, नए टैक्सेस लगा सकता है, पुराने टैक्सेस हटा सकता है, तो एक सोवरेन की तरह अपनी टेरिटरी में रूल करता था। लेकिन वो विजयनगर एम्पायर को रिस्पॉन्सिबल था और हर गवर्नर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा और आदमी प्रोवाइड करता था विजयनगर के सेंट्रलाइज्ड रूल को, ताकि कल की डेट में विजयनगर के सेंट्रलाइज्ड रूलर को अगर कोई जंग लड़नी है तो उसको आदमी ये गवर्नर प्रोवाइड करेगा, पैसा ये गवर्नर्स प्रोवाइड करेंगे। ऐसा बोला जाता था कि जो किंगडम की इनकम हुआ करती थी वो थी आपकी 120 लाख, यानी 1,20,00,000 पैराडोस। तो किंगडम की इनकम थी 1,20,00,000 पैराडोस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 60 लाख पैराडोस जाते थे, बाकी जो रीजनल गवर्नर थे ये आपस में अपना बांट लिया करते थे। ओके, इन एम्पायर में, विजयनगर एम्पायर में बहुत सारे ऐसे भी इलाके थे जो कि सबऑर्डिनेट रूलर्स के कंट्रोल के अंदर थे। ओके, ये ऐसे सबऑर्डिनेट रूलर्स थे जिनको पहले वॉर में डिफीट किया गया था और इनसे बोला गया था कि तुम विजयनगर की सुजरेनिटी को एक्सेप्ट करो। इनको डायरेक्ट रूल के अंदर नहीं लाया गया, इनके किंगडम्स को रिस्टोर कर दिया गया। तो समय समय पर ये जो सबऑर्डिनेट रूलर्स थे इन्होंने भी विजयनगर की सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी को कमजोर किया। जब विजयनगर का एम्परर कमजोर पड़ा तो इन्होंने बोला हम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। तो उसके चलते आप कह सकते हो कि ये जो विजयनगर सेंट्रलाइज्ड रूल था ये कमजोर पड़ा। मिलिट्री चीफ्स को भी कभी कभी जो किंग था वो अमारम देता था, एक टेरिटरी देता था। जो मिलिट्री चीफ हुआ करते थे, जो एक कंटिजेंट फोर्स अपने पास रखते थे, तो उस फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट करनी है, घोड़ों का खर्चा उठाना है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी पैसा दिया जाता था इन मिलिट्री चीफ्स को किंग्स के द्वारा। अब पैसा अगर नहीं दिया जा रहा तो किंग टेरिटरी दे सकता है और कह सकता है इस टेरिटरी से अपना टैक्स इकट्ठा करो और अपना खर्चा चलाओ। ये जो मिलिट्री चीफ्स हुआ करते थे इनको बोला जाता था पालेगार या नायक्स, पालेगार भी इनको कहा जाता था। इनको कम से कम कुछ अमाउंट ऑफ फुट सोल्जर्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स मेंटेन करके रखने पड़ते थे एक हेल्दी हालत में, एक वर्केबल हालत में, ताकि जब भी विजयनगर के सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन को जरूरत पड़े जंग लड़ने की तो इनको अवेलेबल कराया जा सके। और ये जो नायक्स और पालेगार्स थे, जो भी जमीन इनको एलोकेट की गई थी टैक्स वगैरह इकट्ठा करने के लिए, उस जमीन से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हिस्सा ये सेंट्रल एक्सचेकर को, सेंट्रल ट्रेजरी को भी देते थे। तो ये जो पालेगार्स थे, नायक्स थे, काफी पावरफुल सेक्शन था ये, और कभी कभी गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था इनको कंट्रोल कर पाना। और यही कंबाइंड वीकनेसेस थी, आप देखोगे कि जो लोकल आपके इंडिपेंडेंट रूलर्स थे उन्होंने अपने आप को फ्री प्रूव कर लिया। कभी कभी मिलिट्री चीफ्स धोखा दे जाते थे विजयनगर के एम्परर को, कभी कभी इनके प्रोविशनल गवर्नर्स धोखा दे जाते थे। तो ये जो सेंट्रलाइज्ड सेटअप था, जिस सेंट्रलाइज्ड सेटअप में कुछ ऐसे प्रोविंशियल गवर्नर्स आ गए थे, रूलर्स आ गए थे, मिलिट्री चीफ्स आ गए थे, जो कि अपने आप में इंडिपेंडेंट हो गए थे, ठीक है। कभी कभी वो राजा को भी डिफाई करने लगते थे, राजा की अथॉरिटी भी कंट्रोल मतलब डिग्रेड हो रही थी। तो उसके चलते इंटरनल वीकनेस इतनी ज्यादा हो गई कि बैटल ऑफ बनीहाटी में हार गए विजयनगर एम्पायर। उसके बाद ये डिसइंटीग्रेट हो गया, बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया, बहुत सारे टुकड़ों ने बोला हम अलग, हम अलग, हम अलग। ओके, थंजौर एक अलग प्रिंसिपैलिटी बन गया, मदुरई एक अलग प्रिंसिपैलिटी बन गया, इनके रूलर्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट बोल दिया। अच्छा, विजयनगर के समय की एक खास बात है कि पीजेंट्री की हालत क्या थी, किसान की हालत क्या थी, इसके बारे में देखिए ज्यादा जानकारी है नहीं हमारे पास। ओके, जो भी विजयनगर के रूल के समय पे जो हिस्टोरियंस वगैरह आए ये शहरों शहरों में रहे, गांव की लाइफ के बारे में उन्होंने कुछ बताया नहीं है। जो कुछ भी बताया बहुत जनरल बताया, ठीक है, बहुत हल्का फुल्का बताया। जैसे घर दिख गए गांव वाले लोगों के तो बता दिया थैश्ड, मतलब आपके वो जो झाड़ फूस के बने हुए जो झोपड़ पट्टियां होती है ना, कुछ इस प्रकार के घर हुआ करते थे, छोटा सा डोर हुआ करता था। ज्यादातर जो गांव के लोग थे वो बिना चप्पल वगैरह के घुमा करते थे, ठीक है। वेस्ट के नीचे भले कुछ पहन लिया, ऊपर का बदन उनका उघारा होता था, लेकिन जो अपर क्लासेस के लोग थे वो महंगे जूते पहनते थे, ये भी वेस्ट के ऊपर उघारे ही रहते थे, लेकिन सिल्क टर्बन पहनते थे, गहने वगैरह पहनते थे, अपने ईयर्स में, नेक्स में, आर्म्स में गहने पहनते थे। तो अपर क्लास के लोग भले ही वेस्ट के ऊपर उघारे रहते थे लेकिन टर्बन गहने वगैरह पहनते थे। जो गरीब आदमी है उसके पास तो पहनने के लिए चप्पल नहीं है तो वो टर्बन गहने क्या ही पहनेगा। ओके, अच्छा, टैक्सेस की बात की जाए तो विजयनगर एम्पायर के समय पर टैक्सेस क्या लगाया जाता है। देखिए, टैक्सेस के बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं,
कुछ इंस्क्रिप्शन से हल्का फुल्का चीजें पता चलती हैं, जैसे कुरुवाई नाम का एक राइस हुआ करता था जिसको विंटर्स के समय उगाया जाता था, इसके ऊपर 1/3 टैक्स लगाया जाता था। सीसेम रागी और हॉर्स ग्राम के ऊपर 1/4 टैक्स लगाया जाता था। मिलेट के ऊपर 1/6 टैक्स लगाया जाता था। ड्राई लैंड के ऊपर जो खेती की जाती है इसके ऊपर 1/6 टैक्स लगाया जाता था। क्रॉप्स के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से और मेथड ऑफ इरिगेशन के हिसाब से यहाँ पर टैक्स लग रहा है। लैंड टैक्स के साथ और भी बहुत प्रकार के टैक्स थे, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन सेल ऑफ प्रोड्यूस, प्रोफेशन टैक्सेस, मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन के समय का टैक्स, टैक्स ऑन मैरिज, इस प्रकार के बहुत सारे टैक्स यहाँ पे अलग अलग लगाए जाते थे। एक 16th सेंचुरी का ट्रेवलर था निकितिन, इसने क्या बोला कि जो लैंड था वो लोगों से भरा हुआ था, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो बहुत गरीब है, उनके हालात बहुत मिजरेबल है, और जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉबल और आप कह सकते हो एलीट किस्म के लोग हैं वो कुछ जरूर से ज्यादा अमीर हैं। विजयनगर एम्पायर की खास बात थी कि इसकी अर्बन लाइफ काफी डायनेमिक थी, ट्रेड यहाँ पे अच्छा खासा चल रहा था, बड़े बड़े टाउन्स बन रहे थे, टाउन्स में एक बड़ा बड़ा टेम्पल बन जाता था। कभी कभी कैसा होता था कि कहीं किसी जगह पे टेम्पल बना और उस टेम्पल की सर्विसेज को केटर करने के लिए आसपास एक टाउनशिप बनती कर बन गई और बहुत बड़ा बन गया। मतलब कभी कभी टेम्पल एक इकोनॉमिक सेंटर की तरह भी निकल गया है, केवल रिलीजियस सेंटर नहीं था टेम्पल, इकोनॉमिक सेंटर की तरह भी टेम्पल बन गया है यहाँ पे। कभी कभी तो टेम्पल इतने बड़े होते थे कि ये टेम्पल गॉड की सेवा के साथ साथ ट्रेड वगैरह में भी इन्वॉल्व हो जाते थे। इन टेम्पल में फूड वगैरह का सामान, कमोडिटीज को स्टोर कर दिया जाता था ताकि समय पे ओवरऑल लोगों को चीज़ें अवेलेबल करवाई जा सके। इन टेम्पल्स के लिए ट्रेड में इन्वॉल्व होना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अक्सर कर जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे या टेम्पल के आसपास के जो गरीब वगैरह लोग थे इनकी मदद प्रोवाइड करनी पड़ती थी इस टेम्पल को। तो कुल मिला के टेम्पल्स काफ़ी रिच थे, इसलिए भी रिच थे क्योंकि इन टेम्पल्स के पास बहुत सारा चंदा आता था ट्रेडर्स की तरफ से, राजा वगैरह की तरफ से, और टेम्पल्स ट्रेड में भी पार्टिसिपेट करते थे। इंटरनल और ओवरसीज ट्रेड दोनों प्रकार के ट्रेड में जो टेम्पल्स थे वो पार्टिसिपेट करते थे। टाउन्स यहाँ पे बढ़ रहे थे, अर्बनाइजेशन हो रहा था। आप कह सकते हो कि ये जो विजयनगर रूल का पीरियड है ना, दिस वॉज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू इकोनॉमी। पुराना जो इकोनॉमिक तरीका था रहने का, उस इकोनॉमिक तरीके में कुछ इनोवेशन लाए जा रहे थे, कुछ चेंजेस लाए जा रहे थे, कुछ अमेंडमेंट्स लाए जा रहे थे, और एक नया इकोनॉमिक तरीका यहाँ पे निकल के आ रहा था। टेम्पल्स के चारों तरफ जो डेवलपमेंट को बढ़ाने वाली जो बात थी वो यहाँ पे बहुत तेजी से सामने आई, हालांकि वो चोलास के समय पे भी देखी गई, ऐसा नहीं कि विजयनगर के सामने आ रही है, लेकिन विजयनगर एम्पायर की अर्बन लाइफ पे खासा कर ध्यान दिया जाता है। अर्बन लाइफ बड़ी डायनेमिक थी, जबरदस्त थी, ज्यादातर तो एम्पायर में जो लोग थे वो गरीबी थे, लेकिन जो नॉबल्स थे वो बहुत एलीट तरीके से रहा करते थे, और अब जो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स आ गए थे वो न्यू इकोनॉमी को डिनोट कर रहे थे। तो ये था एनालिसिस दोस्तों, यहाँ पे ओवरऑल हमने स्टेट एंड इकोनॉमी अंडर विजयनगर की बात कर ली। अब पोर्तुगीज के बारे में बात करना बचा हुआ है, हो सका तो पोर्तुगीज वाली वीडियो को मैं एक ही वीडियो में निपटाने की कोशिश करूंगा, ओके, और उसके बाद ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। एडवेंट ऑफ पोर्तुगीज देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि पोर्तुगीज का इंपैक्ट क्या रहा है इंडियन सोसाइटी पे, पॉलिटिक्स पे और ट्रेड पे, और फिर फाइनली चैप्टर नंबर 9 खत्म हो जाएगा। वी विल मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 10। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा दोस्तों, हो सके तो ज्वाइन बटन जरूर दबाइए, आपके ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलती है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक।